भाई ये रही है अपनी R15 M। सिंपल चलाते हुए बोर से हो रहे हैं। आज करेंगे इसका सिलेंसर चेंज। देखो ये इसका ओरिजिनल सिलेंसर है, इसमें आवाज़ ना के बराबर है, कहीं को निकल जाओ देखता भी ना कोई। अब निकाल लेंगे इसे और लगाएंगे इसमें एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट वाला। चलाना इसको पता है, लेकिन फिर भी रिस्क लेते हैं। मुझे जब लेना है तो इसको तो लेना पड़ेगा। चलो करते हैं चेंज। तो भाई वो कर ली बाइक मैंने घर के अंदर। अगर बाहर चेंज करता तो बाहर सामान फैल जाता बहुत सारा, और आते आते लोग भी कहते हैं कुछ ना कुछ करता ही रहा है बाइक में। तो चलो सामान वामान का इंतजाम कर लिया, इसका क्या क्या लगेगा और जो भी लगेगा टाइम पर देख लेंगे। चलो तो ये कर दिया ऑन। दो बैंड आएंगे, एक एरा एक एरा, और सिलेंसर ये इसके सपोर्टर लगेगा यहाँ। ठीक है जी, चलो खोलते हैं। 4 स्क्रू यहाँ से खुलेंगे, फिर अंदर सिलेंसर के खुलेंगे। ठीक, ये वायर निकलेगा इसका और ये खुलेगा। बस आपका हो जाएगा सिलेंसर चेंज। तो ये खोलते हैं आराम से, स्क्रू खोल लिया मैंने। इसमें लॉक होते ही आराम से निकालना कि टूट जाएगा, प्लास्टिक है पूरा। नीचे से लॉक खुलेगा, साइड से खुल जाएंगे, फिर इसके पेच निकालते हैं। ठीक है, ये निकल गया कवर। इसे पूरा निकालना मत, डालने में फिर टाइम लगता है। ये साइड में यहीं लग जाएगा कोने से। ठीक है, अब देखो आपको अंदर स्क्रू दिखाता हूँ मैं सिलेंसर के। मेरे 2 स्क्रू वे निकलेंगे। खोलना ध्यान से, टूटने की बहुत चीज़ है इसमें, आराम से टूट जाएगी लगते ही। ठीक है जी, देखो ये निकलेगा एक, ये भी चाबी से खुल जाएगा। ये सिलेंसर का दूसरे वाले सिलेंसर में लगेगा, ज़रूरी है बहुत हीटिंग के लिए। अगर हीट करेगी गाड़ी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये वायर निकालना बहुत टेढ़ी खीर है, घंटों लगता है इसे निकालने में। बहुत सिर में दर्द हुआ भाई। अब यहाँ अटक रहा है, चलो कर रहा हूँ जो गाड़ी इसका। कभी कभी तो गुस्सा ऐसा आएगा कि इसे तोड़ दे लगूँ, पर नहीं, नुकसान अपना ही होगा। तो आराम से पोलाइटली इसे निकालना है। ठीक है, लग रहे हैं कोशिश में भाई। चलो निकल जाएगा, मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ फिर। वो स्क्रू तो निकाल लिया, सिलेंसर के भी ढीले कर लिए। अब ये जिस पे सिलेंसर टंगा हुआ है इसे खोलते हैं। ये भी पीछे प्लास देखे, अपना देसी जुगाड़, चाबी से खोल रहे हैं इसे। पूरा नहीं खोलना, नहीं आगे से चूड़ी टूटने की संभावना है। तो इसे हल्का खोल के आगे से सिलेंसर निकाल के ढीला करके तब यहाँ से खोलना है। ये रहा तामझाम इसका। ये 2 एक मेन सिलेंसर है, ये लगेगा जो मैंने वायर निकाला है इसमें, जो हीटिंग वायर है वो एक्वापोविक का सिलेंसर। ये इसमें कर लेते हैं जुगाड़ इसे। अच्छी तरह टाइट कर देना इसे, ताकि टेम्परेचर सही सही बताता रहे। ये यहाँ से आराम से निकाल लेंगे। देखो मैंने ढीला कर रखे थे, वहाँ से तो खोल। नंगा हो गया तो इसमें हो गए यहाँ साइड। अब देखो आवाज़ सुनाता हूँ आपको। बाकी सेट तो कर लिया। अब आवाज़ सुनाता हूँ मेन सिलेंसर लगा कर। भाई आवाज़ बहुत ही लाउड आ रही है तो इसमें लगाते हैं डेबी कूलर, इससे थोड़ी सी आवाज़ पतली हो जाएगी और कम हो जाएगी। इससे कहीं अगर बाहर जाने लगे निकालने के लिए लो लिया गलती हो रही थी। अब चल रहे हैं, थोड़े टेस्ट ड्राइव लेना है और देखना कि क्या पब्लिक में रहता है इसका। कितनी कम हो गया आवाज, वो तो कहीं पता नहीं अपनी भड़बड़ करते चले थी। नज़र देखो नज़र टेढ़ी कैसे देख रहा भाई। तेल डलवा ले इसमें, इंडियन ऑयल जो तेल मारा है यार गाली के तेरा खराब की पूरी। अंकल फुल कर दो, फुल पल्लो बिल्कुल घेर दो बार बार तेल। और दिख रहा होगा तेल लगते ही कट मार जाए इसमें। 774 कभी रोकने वगैरह भाई पैसे दे के जाओ वरना बाइक खड़ी कर जाओ। तो चलो आज का व्लॉग होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। 1K कंप्लीट हो गए हैं, जल्दी जल्दी 10K भी करेंगे। तो राम राम सभी को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।